हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस करी थी। आज हम उससे आगे जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। हमारी पहली फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है। इम्प्लाइड सिमिली मीन्स सिमिली में दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स को जिनमें कुछ ना कुछ जो है वो समानता होती है उन्हें कंपेयर कर जाता है और कंपैरिजन के वर्ड्स यूज करे जाते हैं एज या लाइक। जैसे शी इज लाइक स्नो, शी इज एज वाइट एज स्नो। तो यहाँ पर हम जो है किसी को कंपेयर कर रहे हैं स्नो से, हालांकि दो लोगों में बिल्कुल भी समानता नहीं है, मगर वहां पर हम समानता के शब्द यूज कर रहे हैं एज या लाइक। लेकिन मेटाफर ये मानता है कि इसमें ये एज या लाइक वाले वर्ड यूज नहीं करता। ये मानता है कि ये जो दो चीजों को कंपेयर करा जा रहा है, जो पहली चीज जिससे को कंपेयर कर रहा है वो दूसरी ही चीज है, मगर दोनों के दोनों में कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए, लेकिन समानता के शब्द बिल्कुल भी यूज नहीं किए जाते। उसके लिए इसलिए उसे कहा जाता है इम्प्लाइड सिमिली। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, हर वॉइस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। वॉइस को कंपेयर कर रहे हैं म्यूजिक से। अगर ये सिमिली होती तो यहाँ पे होता हर वॉइस इज लाइक म्यूजिक टू हिज ईयर्स, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि हर वॉइस इज म्यूजिक, यानी कि उस वॉइस को म्यूजिक मान लिया गया है मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करे गए हैं, तो इसे कहा जाता है मेटाफर। जो नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरलॉस। हाइपरलॉस या इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट भी कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड इंटरचेंज, इसका मीनिंग हाइपरलॉस ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इंटरचेंज। एक्चुअली हाइपरलॉस में जो एडजेक्टिव होता है, जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होता है, वो जिस व्यक्ति को क्वालिफाई करना चाहिए उसे ना देके बल्कि किसी और पे ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लिखा द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वेरी वे, कि जो प्लोमैन है यानी कि जो हलवाई है वो अपने घर की तरफ चले थके हुए रास्ते पे। अब ये देखिए वे के पास जो है वेरी वर्ड जो है वो रख दिया, एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है। अब ये जो वेरी वर्ड है ये यूज होना चाहिए था किसके लिए, प्लोमैन के लिए, लेकिन यूज किसके लिए करा गया है, वे के। तो इसमें जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव होता है उसे ट्रांसफर कर देते हैं, किसी और वर्ड पर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे अगर हमने यहां पे लिखा ड्रीमिंग हाउस, तो जो हाउस है वो ड्रीमिंग हाउस या जो ये वर्ड है ये हमने जो है वर्ड ट्रांसफर कर दिया हाउस के लिए, जो है हाउस पे हमने ये यहां पर ये वर्ड ले लिया, तो ये जो है हाउस के लिए ड्रीमिंग वर्ड यूज करा। अब ये एडजेक्टिव को ड्रीमिंग जो ड्रीम देखते हैं वो इंसान देखते हैं, तो ये होना चाहिए था किसी और के लिए और इसे ट्रांसफर कर दिया किस पे, हाउस पे ट्रांसफर कर दिया। तो जो एपिथेट है, जो क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, जब वो किसी और वर्ड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है जहां पर दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा जाता है किसी बात पे जोर देने के लिए, उसे कहा जाता है ऑक्सीमोरोन। एंटीथीसिस में दो सेंटेंसेस को जो है दो बिल्कुल अलग जो स्टेटमेंट देते हुए जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें रखा जाता है एक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। इसमें दो ऑपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा रखा जाता है, जैसे मैंने ये बोलूं ओपन सीक्रेट, सीक्रेट भी और ओपन भी, तो ये जो एग्जांपल है आपका वो किसका है, ऑक्सीमोरोन। ऐसी अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो देयर वाज अ डेफिनिंग साइलेंस, साइलेंस भी और डेफिनिंग भी। साइलेंस का मतलब ही क्या होता है, शांति, और डेफिनिंग का मतलब क्या, बहरा कर देने वाली। तो बहरा कर देने वाली शांति का क्या मतलब हुआ कि जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ जो है, बहरा कर देने वाला तो शोर होता है, बहरा कर देने वाली शांति, तो इसे कहा जाता है ऑक्सीमोरोन। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स जिसे क्लाइमेक्स का मतलब होता है, इसमें आइडियाज को जो रखा जाता है वो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि उनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से उन्हें जो है छोटे से बड़े क्रम में रखा जाता है, यानी कि
जिस तरीके जिससे एक्साइटमेंट बढ़ती है वो चीज जो है उसमें उसी हिसाब से उसको रखा जाता है, पहले जो कम इम्पोर्टेंस वाला है पहले उसे, फिर उसके बाद मीडियम, फिर उसके बाद उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, इस तरीके से आइडियाज को जो है वो एक ऑर्डर में अरेंज जो है वो करा जाता है। जैसे अगर हमें क्लाइमेक्स के एग्जांपल लें, ये जो लाइन मैंने लिखी है ये टेनिसन की पोयम यूलेसिस से ली गई है और ये है टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू ईट। स्ट्राइव प्रयास करो, सीक टू फाइंड अब ये एक प्रयास करो कोशिश करो और कभी भी हार मत मानो। तो बेसिकली जो चीज है कि पहले प्रयास करो कोशिश करो हार मत मानो, तो ये आइडियाज जो है कि सबसे पहले जो है प्रयास करना है, फिर को जो है हार नहीं माननी है, नॉट टू इल्ड जो है गिव अप नहीं करना है, तो जो ये फाइनल वो है कि नॉट टू गिव अप। तो ये जो है ये छोटे से बड़े के क्रम में जो है इसे रखा जाता है, इसे कहा जाता है क्लाइमेक्स। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी से एक सिंपल जो है वो ये माना जाता है कि भाई जहां पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है वो एपोस्ट्रोफी होता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है एड्रेस, संबोधन। एपोस्ट्रोफी में ये देखिए एड्रेस इज मेड, इसमें संबोधन दिया जाता है, और किसको संबोधन दिया जाता है, किसी इंसान को दिया जाता है, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, किसी आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जो एड्रेस जो है वो दिया कर, मतलब संबोधन दिया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन तुम्हें इस समय होना चाहिए था। तो ये इसमें जो पोएट संबोधित कर रहा है वो किसे संबोधित कर रहा है, मिल्टन को संबोधित कर रहा है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाया, लेकिन संबोधन के लिए कॉमा लगाया गया, वो उसको अलग कर रहा है। जैसे अगर मैंने ये बोला कि इसमें Heaven tell me why does he say this? अब इसमें heaven tell me, तो इसमें अगर संबोधित जो कर रहे हैं वो किसे कर रहे हैं, heaven को संबोधित कर रहा है, एक आइडिया को जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को संबोधित कर रहे हैं। तो और इसमें चाहे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं या ना लगाएं, जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित, व्यक्ति को किसी वस्तु को या किसी आइडिया को संबोधित करते हैं तो उसे कहा जाता है एपोस्ट्रोफी। जैसे आपने शैली की जो फेमस पोयम है वेस्ट विंड, उसमें है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो इसमें ओ वाइल्ड वेस्ट विंड जो शैले संबोधित कर रहा है वो वेस्ट विंड को संबोधित कर रहा, तो उसमें भी फिगर ऑफ स्पीच है एपोस्ट्रोफी। एंड द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज आयनी। आयनी जो फिगर ऑफ स्पीच है ये इसमें जो शब्द होते हैं, इसमें स्पीकर जो बोलता है उसका वो मीनिंग नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं कोई और अर्थ जो है वो छिपा रहता है, जिसमें वो उसे बिल्ट यानी कि उसको जो है वो उसको मोटिवेट करने के लिए नहीं, एक तरीके से किसी को व्यंग में बांटने के लिए जो है ये वो यूज करा जाता है आयरनी। देखिए आयरनी में स्पीकर का वो मीनिंग नहीं होता जो वो शब्द बोल रहा है, उन शब्दों का वो अर्थ नहीं होता जो वो कह रहा है। जैसे अगर जो जूलियस सीजर में सीजर की मृत्यु के उपरांत जब एंटनी बोलने के लिए आता है, और इससे पहले ब्रूटस जो है वो बोल के जा चुका होता है, और मॉब जो है वो ओवरवेम्ड हो जाती है कि हाँ सीजर वाकई में ओवर एम्बिशियस था और सीजर को मार दिया जाना बिल्कुल जस्टिफाइड जो है वो मॉब जस्टिफाई करती है। तो जब एंटनी स्टेज पे आता है और वो ये बताता है कि किस तरीके सीजर जो है वो कैसे लोगों के बारे में सोचता था, वो एम्बिशियस नहीं था, और जब वो उसकी विल पढ़कर सुनाता है तो ये लाइंस वहां से हैं, ये ब्रूटस से ही वाज एम्बिशियस, कि ब्रूटस कहता है वो एम्बिशियस था यानी कि सीजर एम्बिशियस था, एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस जो है वो एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति है। तो यहाँ पर एंटनी कहीं से कहीं तक भी ब्रूटस की तारीफ नहीं कर रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि ऑनरेबल मैन में छिपा हुआ है कि वो उसकी एक तरीके से उसे बिलिटल कर रहा है, कि उसकी उसकी जो उसको ऑनरेबल कहने का उसका कहीं से कहीं तक भी मतलब जो है वो नहीं है। तो जो शब्द है उन शब्दों का वही अर्थ ना होना उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड आयनी। एंड नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एनाफोर। देखिए ये फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा ही होता है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सक्सेसिव सेंटेंसेस में या क्लॉजेस में, सेंटेंस के शुरू में ही रिपीट होते हैं।
जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखा है रिंग आउट ओल्ड शेप्स ऑफ फाउल डिजीज, रिंग आउट द नैरोइंग लस्ट ऑफ बोर्ड. तो इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो रिंग आउट हो रहे हैं. तो जो सेंटेंस के शुरू में जो वर्ड्स जो है वो साथ इकट्ठे भी हो सकते हैं, वो इस तरीके से भी हो सकते हैं. जब वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? एनाफोरा. नेक्स्ट है आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज एपिस्ट्रोफी. एपिस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच ये है कि जिसमें जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के शुरू में रिपीट नहीं होते, वो सेंटेंस के बाद में रिपीट होते, सक्सेसिव क्लॉजेस में या उसमें जो सेंटेंसेस में रिपीट होते हैं. जैसे आप ये देखिए, वर्ड्सवर्थ वाज अ पोएट, शेले वाज अ पोएट एंड बायरन वाज अ पोएट. तो ये सारा जो है यहाँ पे पोएट 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 जो रिपीट हो रहा है वो सेंटेंस के बाद में रिपीट हो रहा है, तो इसे जो कहा जाता है एपिस्ट्रोफी. होप आपको जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच पसंद आई, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति शर्मा और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है इंग्लिश सूत्रा. हमारा इंस्टीट्यूट मेरठ में स्टार प्लाजा में सेकेंड फ्लोर पर है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स जरूर दें. थैंक यू वेरी मच.